हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका JIB का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स यूनिट नंबर 6 मॉड्यूल बी है, ये मॉड्यूल बी हो गया। डेफिनेशन स्कोप एंड अकाउंटिंग ऑफ स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम ये बात कर रहे हैं, ये चैप्टर उसी के ऊपर है और उसमें हम ये जो पढ़ रहे हैं पार्ट 1 है, ऐसे कई पार्ट्स में वीडियोस हैं। ठीक है, अगर प्रॉपर JIB का कोर्स करना चाहते हैं, मेरा फोन नंबर भी एक दिया हुआ, फोन करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग में क्या बोल सकते हैं? अकाउंटिंग अगर कोई डेफिनेशन पूछे आपसे, परिभाषा बताइए तो क्या बोले? हम ऐसा बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग लैंग्वेज है बिजनेस का, बिजनेस करने की भाषा है अकाउंटिंग, या लैंग्वेज ऑफ डूइंग बिजनेस इज अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग बोल सकते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग ऑफ ए इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, अकाउंटिंग को हम लोग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। हमेशा याद रखिए, अकाउंटिंग क्या बोलते हैं? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो अकाउंटिंग होता क्या है? अकाउंटिंग में बेसिकली अकाउंटिंग एक तरीका होता है, आर्ट होता है, वे होता है, जैसे कि आप रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं जो इन टर्म्स ऑफ मनी, और उसके हिसाब से रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है एक तरह का आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग है इन टर्म्स ऑफ मनी, और रिजल्ट को हम इंटरप्रेट करते हैं, रिजल्ट को समझते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रही बात मैं जो बोल रहा हूँ? तो अकाउंटिंग क्या हो गया? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग मनी के टर्म्स में, और उसके हिसाब से हम रिजल्ट पता कर सकते हैं क्या है क्या नहीं। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट of recording classifying and summarizing in terms of money and interpretation of results। तो यहाँ पे अकाउंटिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक आर्ट है रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग करने का तरीका है, समराइज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इंटरप्रेट कर रहे हैं रिजल्ट को। समझ रहे हैं आप बात? चल अब ये उसके बाद बोलता है कि एक शब्द आती है बुक कीपिंग। ठीक है, सुनने में लगेगा कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सेम है, मतलब तो एक जैसा लगेगा सुनने में, बट रियलिटी कुछ और है। रियलिटी है कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों अलग चीज होती हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है, ये हो सकता है। बुक कीपिंग क्या है? अकाउंटिंग का पार्ट है, इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं जो अकाउंटिंग और आपका बुक कीपिंग दोनों डिफरेंट है। ठीक है, बुक कीपिंग अच्छा एक काम, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, अकाउंटिंग अच्छा यहाँ पे गलत पॉइंट बना देते हैं, बोथ आर डिफरेंट हो गया। क्या है? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों के दोनों डिफरेंट है। फिर एक पॉइंट और लिख लीजिए कि अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग। अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग जो है इंक्लूड करता है बुक कीपिंग, उसी के अंदर होता है। अब सवाल है कि बुक कीपिंग होता क्या है फिर, तो वो भी जान लेते हैं। बुक कीपिंग होता क्या है देखिए, बुक कीपिंग का यह मतलब है
यहाँ जो बुक कीपिंग है उसका मतलब ये हो गया कि आप रिकॉर्ड करते हो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को जो ओरिजिनल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में बाद में लेजर में। तो सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, काम है रिकॉर्ड करना। बुक कीपिंग का मतलब रिकॉर्डिंग, क्या मतलब है, यहाँ पे सिर्फ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। पहले वो रिकॉर्ड होगी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, बाद में जिसका सेक्शन होगा लेजर में उस हिसाब से लेजर में चला जाता है, लेजर में पोस्ट हो जाता है, ठीक है। इस चीज को आप लिख लीजिए, बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड इन द लेजर। तो यहां पर बुक कीपिंग का मतलब है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो क्या बिजनेस ट्रांजेक्शंस को, कहां पर रिकॉर्ड कर रहे हो, इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और लेजर में आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। फिर आइए अकाउंटिंग का मतलब क्या है, क्या समझ रहे हैं अकाउंटिंग से। हम अकाउंटिंग को एक चीज बोल सकते हैं कि हम अकाउंटिंग का यहाँ पे ये मतलब हो गया, अकाउंटिंग का मतलब है कि कंपाइल करना। क्या कंपाइल, अकाउंटिंग में बहुत सारे अकाउंट्स को, जितने अकाउंट्स होते हैं सारों को एक साथ जोड़ दो, यानी जोड़ दो मतलब कंपाइल कर दो आप एक साथ, ठीक है। और इस तरीके से होता है कंपाइलेशन कि आप अब ये बता सकते हैं अकाउंटिंग से कि भाई ये कंपनी कैसा काम कर रही है, कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, फ्यूचर में कैसा करेगी, पास्ट में कैसा किया था, अभी कैसा कर रही है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, यानी पूरा का पूरा फाइनेंशियल पोजिशन आप बता सकते हैं। इस पोजिशन पे आप आ जाते हैं, ठीक है। ये अकाउंटिंग का सबसे बड़ा काम, आप लिख सकते हैं कि अकाउंटिंग मीन्स द कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स इन सच ए वे दैट वन इज इन ए पोजिशन टू नो द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग हम ये बोल सकते हैं, अकाउंटिंग मतलब है कि आप अकाउंट को कंपाइल कर रहे हो, इस तरीके से कर रहे हो कि अब आप इस पोजीशन पर आ गए हो कि आप जान सकते हो क्या स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ बिजनेस है, क्या क्या बिजनेस की स्टेट ऑफ अफेयर्स है, वह आप समझ सकते हो, ठीक है। ये सारा पॉइंट सब प्लीज लिखते चलिए। जो जो चीज बोल रहा हूं ना बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप भी लिख लीजिएगा, फायदा कर जाएगा। पॉइंट नंबर सिक्स में आइए, ठीक है। हम बात कर रहे हैं बहुत सुना होगा नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल के, सुना है नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब है कि उसके अंदर बैलेंस शीट आ गई, उसके अंदर प्रॉफिट लॉस अकाउंट आ गया, स्टेटमेंट आ गया किस तरीके से चेंज हो रही है फाइनेंशियल पोजिशन आपका, फंड फ्लो का स्टेटमेंट आ गया, कैश फ्लो का स्टेटमेंट आ गया, फिर स्टेटमेंट के साथ एक्सप्लेनेशन रहता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बोलते हैं, नोट्स रहता है और शेड्यूल रहता है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फॉर्म करता है। एक बार फिर से सुनिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या हो गया, बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गया, स्टेटमेंट जो किस तरह का चेंज हो रही फाइनेंशियल पोजीशन का उसका स्टेटमेंट रहता है, फंड फ्लो का स्टेटमेंट, कैश फ्लो का स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, इसमें नोट्स और शेड्यूल रहता है जो कि फॉर्म करता है पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर आती है, इसको भी लिख लीजिए आप, पॉइंट नंबर 7 हो जाएगा आपका। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स मीन्स बोलो या इंक्लूड्स बोलो, एक ही चीज है। क्या क्या हो जाएगी इसके अंदर, बैलेंस शीट, ठीक है,
ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, नोट्स एंड शेड्यूल्स, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इतने सारी चीज होते हैं। आया समझ में? तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, मतलब नहीं बोल रहे, फाइनेंशियल में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, देखिए पहला हो गया बैलेंस शीट, इसको पहला बोल लीजिए, दूसरा हो गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है, फिर एक्चुअली क्या होता है फाइनेंशियल पोजीशन कैसे कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, उसकी भी एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, तो ये हो गया तीसरा चीज, चौथा हो गया फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, पांचवा हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट, छठा हो गया एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, सातवा हो गया नोट्स और शेड्यूल्स दिया रहता है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फॉर्म करता है, ठीक है। अगर हम पूछें कि क्या ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल पोजीशन का, सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी मकसद क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, सीधा सा एक लाइन का आंसर है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों हम लोग बनाते हैं, चाहे क्यों देखते हैं, इससे हमें पता चलता है कि ये इन्फॉर्मेशन बताता है कि क्या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है, कैसा कंपनी परफॉर्म कर रहा है, क्या क्या चेंजेस आ गए फाइनेंशियल पोजीशन में, किसी भी एक एंटरप्राइज का चाहे किसी भी कंपनी का, ठीक है। आप इसको ये लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन परफॉर्मेंस एंड चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, यहां क्या है कि आपको प्रोवाइड करता है क्या इन्फॉर्मेशन, क्या चीज का, फाइनेंशियल पोजीशन का बता रहा है, परफॉर्मेंस का बता रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रही है फाइनेंशियल पोजीशन का किसी भी इंटरप्राइज का, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कंपनी कैसी है, प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग है, या इसका फ्यूचर फोरकास्टिंग कर सकते हैं, अभी कैसा कमा रही, सब चीज पता चल जाएगा इससे हमें, ठीक है। कि जब भी हम लोन देते हैं तो हम ये समझते हैं कंपनी प्रॉफिट बना रही है, ये जानने के लिए बड़ा हेल्पफुल है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जैबी के दो तरह के कोर्सेज हैं, एक पीपीटी यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्ड होता है, जो कंप्यूटर स्क्रीन होता है उसको रिकॉर्ड करके आपको वीडियो बना के दिया जाता है, और दूसरा होता है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जो अभी अपने वीडियो देखा है उसका नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, ये सबसे बेस्ट कोर्स है। और ये अगर आप ये कोर्स करते हो तो मान के चलिए कि आप फर्स्ट टाइम में ही पास करेंगे, सिंपल बोलूंगा फर्स्ट टाइम में आप पास कर जाएंगे। हर आदमी को एक ही चीज़ चाहिए कि भाई फर्स्ट टाइम में ही पास करें, बार बार एग्जाम कोई देने का इच्छा नहीं रखता है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट कोर्स मैंने आपको पहले बोला, मैं यही बोलूंगा यही कोर्स आप करें, सबसे रिकमेंड करूंगा ये कोर्स करने के लिए, सबसे ज्यादा सेलिंग पावरफुल और बेस्ट कोर्स तो खैर है ही, क्योंकि अगर पास करें फर्स्ट टाइम तो इससे बढ़िया क्या होगा। दोनों कोर्स में कंपेयर करें, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, यहाँ पे 6000 सेंटर क्वेश्चन बैंक है, 13500 क्वेश्चन बैंक है, यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट है, और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, वैलिडिटी जो है लाइफ लॉन्ग है,
जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक कोर्स कर सकते हैं। पेपर वन प्रिंसिपल्स करेंगे दाम में 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये। पेपर टू करेंगे इसका दाम 800 रुपये, यहाँ पे 1500 रुपये। पेपर थ्री करेंगे इसका दाम है लीगल, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। और कॉम्बो पे करेंगे यानी तीनों पेपर एक साथ मिला के करेंगे, इसका दाम 1500 रुपये और यहाँ पे दाम है 3000 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4 × 9 6851 27। दूसरा नंबर है 7825546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jbcibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seetsena3@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।